तो और भाई लोग कैसे हो? तो गाइज़ अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहें जैसे हम उसे अपलोड करें। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के M02S के बारे में जो रिसेंटली अभी सैमसंग ने 7 जनवरी को लॉन्च किया है, और बात करेंगे ये फ़ोन किस प्राइस सेगमेंट में आता है, आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये अपने पुराने वर्जन M01S से किस तरह डिफरेंट है। और गाइज साथ ही साथ बात करेंगे इस फ़ोन में क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो व्हाट्स अप गाइज, माय नेम न्यूश एंड यू आर वॉचिंग ट्रिक टेक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज ये है सैमसंग का M02S का बॉक्स, आप लोग देख रहे हो सेम टिपिकल टाइप का पुराने वाला जैसे बॉक्स आते हैं सैमसंग के वैसे ही है वाइट पैकिंग में, और ये बैक साइड में सैमसंग के जो बॉक्स के पीछे लिखा होता है इसमें वो मेंशन किया हुआ है क्या इसका वेट है, क्या कैमरा है, क्या इसके बारे में आपकी डिस्प्ले है, और सारा कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। फिलहाल एक बार बॉक्स को ओपन कर लेते हैं फटाफट, और बॉक्स को ओपन करते हैं तो गाइज यहाँ पे सामने है आपका M02S, बैक में टेक्सचर डिज़ाइन है, बैक से लुक अच्छी लगती है, और गाइज जो डिस्प्ले है इसकी वो भी बताऊंगा मैं आपको। 7.5 वोल्ट का एक चार्जर मिलता है जो कि एवरेज फ़ोन से भी बिलो है, मिनिमम 10 वोल्ट का चार्जर तो होना चाहिए। टाइप सी केबल मिल जाती है आपको यहाँ पे, हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि इसके बीच में आपको 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, बट आपको साथ में जो चार्जर आता है वो 7.5 वोल्ट का आता है। और कंपनी का जो मेन फोकस है इस फ़ोन के ऊपर वो है मैक्सअप, जो कंपनी की गाइडलाइन है कि मैक्सअप फ़ोन है ये, बड़ी आपको डिस्प्ले मिल रही है इसमें, बड़ी बैटरी मिल रही है आपको। तो गाइज अगर हम वही बात करते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है जो कि आपकी इन्फिनिटी वी डिस्प्ले आती है, यू टाइप की डिस्प्ले है जो ये, और बट इसमें आपको जो डिस्प्ले है यहाँ पे ये TFT मिलती है, IPS डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। गाइज पुराने फ़ोन जो इनके M01S है या फिर कंपनी के M11 है सेम वही डिज़ाइन पर बना हुआ फ़ोन है ये, इसमें आपको 196 ग्राम का ये फ़ोन है आपका टोटल। बैक में आपको यहाँ पे 3 कैमरे मिल जाते हैं, डिस्प्ले बड़ी है बट जो डिस्प्ले टाइप है वो TFT है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले की क्वालिटी है जो IPS से वो थोड़ी डाउन रहेगी। 3 कलर्स ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, ग्रे, वाइट में, ब्लू में और एक रेड में मिल जाता है। तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो आपके अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही आपको। और गाइज वहीं अगर हम बात करते हैं बैक की डिज़ाइन के अलावा कंपनी ने इस फ़ोन में मेरे को नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा डाला है। प्रोसेसर की बात करते हैं या रैम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4GB प्लस 64GB का सपोर्ट मिलता है, 3GB रैम और 32GB का सपोर्ट भी मिल जाता है आपको। वहीं अगर हम बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर, जो कि आपको M11 जो है फ़ोन इनका पुराने जनरेशन का उसमें भी देखने को मिल जाता है। और गाइज एक चीज़ आपको यहाँ पे 5000 mAh की जो बैटरी मिलती है सेम आपको M11 वाली मिल जाती है, पुराने जनरेशन जो थी M01S उसमें आपको यहाँ पे 4000 मिलती थी, बट यहाँ पे आपको इंप्रूव करके 5000 mAh की बैटरी करती है। बट गाइज आप एक चीज़ खुद सोचिए कि 5000 mAh की बैटरी को 7.5 वोल्ट के अगर आप चार्जर से चार्ज करते हैं तो कितना टाइम आपको चार्ज करने में लग जाएगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाएगा आपको, एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में, तो कैमरा में आपको यहाँ पे 13 MP का मेन कैमरा मिलेगा, 2 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे 5 MP का जो सेल्फी कैमरा है वो मिल जाएगा, हालांकि कंपनी को यहाँ पे 8 MP एटलीस्ट देना चाहिए था सेल्फी के लिए। सो गाइज एक अनदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, गाइज अगर 31 January 2021 तक हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 5K क्रॉस हो जाते हैं, तो गाइज हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए 3 गिव अवे, जिनमें आपको 2 बैंड और 1 TWS मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों के सपोर्ट से हम जो 5K है वो 10 January 2021 के एंड तक हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो पसंद आई तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार लाइक कमेंट बिल्कुल भी शेयर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से एक अनदर रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।